ये रबर बॉम्ब है जो किसानों के ऊपर किसानों को मारने के लिए छोड़ा गया था, ताकि जो वो दिल्ली कूच के लिए जो आ रहे थे वो यहाँ पे ना आ पाए। गोली का हमारे को डर नहीं, हमारे ऊपर पहले भी बहुत आंसू गोले छोड़े हैं, गोलियां चलाई है हमारे बहुत जो किसान आगू इन्होंने फटर किया, लेकिन हमारे सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है। हम घर से आए हैं, चाहे किल लगा दे चाहे कुछ भी लगा दे, हमारे ऊपर गोले और दाग दे, चाहे हमारे को शहीदी देनी पड़े, हम शहीदी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। सेंटर सरकार और हरियाणा की जो खट्टर सरकार है बिल्कुल रली हुई सरकार है, हम उनसे डरेंगे नहीं। ये डराने के लिए हमारे आगे बैरिकेडिंग की जा रही है, किले लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं इनसे। चाहे 20 बैरिकेडिंग कर दे, लेकिन हम कल दिल्ली की तरफ जाके ही रहेंगे। कहां सो रही है हमारी जो पंजाब सरकार है, कितनी देर हम बर्दाश्त करेंगे इन सरकारों को। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है शंभू बॉर्डर पर और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है ये रबर बॉम्ब है जो किसानों के ऊपर किसानों को मारने के लिए छोड़ा गया था, ताकि जो वो दिल्ली कूच के लिए जो आ रहे थे वो यहाँ पे ना आ पाए। और लगातार यहाँ पे आप जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने सारे जो हैं जो ये रबर बॉम्ब थे यहाँ पे छोड़े गए थे। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और ये जो पूरा जो है यहाँ पे पूरे इतने सारे आपको रबर बॉम्ब दिख रहे होंगे। और साथ ही साथ इसको रोकने के लिए किसानों ने जो बोरियाँ डाली थी कि उनके ऊपर जो बच जाए उससे, यहाँ पे आपको ये जो बोरियाँ हैं यहाँ पे भी दिख रही होंगी किस तरीके से। और वहाँ पे पूरा जो है पुलिस वालों का आपको दिख रहा हो किस तरीके से पुलिस वाले जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वहाँ पे भी बैरिकेडिंग पूरी तरीके से कर दी गई है। और जो जो बैरिकेडिंग है वो सीमेंट की बैरिकेडिंग भी लगातार हो गई है, और पुलिस वालों के पास हथियार भी हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पे जो किसान जो है वो एकदम शांतिपूर्वक खड़े हैं और उनके पास कोई वेपन या कोई हथियार नहीं है, लेकिन सामने जो जवान है उनके पास हथियार है। और वो कभी भी अगर किसान जो है ये जो चीज़ें हैं अगर ये तोड़ने की कोशिश करता है तो सीधे तौर पर जवान के हाथ में जो वेपन्स है और जो हथियार नज़र आ रहे हैं सीधे तौर पर अगर देखा जा सकता है वो हमला कर देंगे, गोलियां बरसा देंगे। और साथ ही साथ ड्रोन द्वारा जो है टीयर गैस है वो चीज़ें छोड़ी जाएंगी, और एक्सपायर्ड बताई जा रही है, यहाँ तक कि जो एक्सपायर्ड है वो तक छोड़ी जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप लोग अगर यहाँ सीधा जाते हैं तो पुलिस वाले जो जवान हैं उनके पास हथियार है और आप लोगों के पास कुछ नहीं है तो आप लोगों को सीधे तौर पर गोली मार दी जाएगी? गोली मार दी जाएगी, लेकिन हमारे को गोली का डर नहीं है। जो हमने ऐलान किया है कल 21 तारीख को 11 बजे हम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, गोली का हमारे को डर नहीं। हमारे ऊपर पहले भी बहुत आंसू गोले छोड़े हैं, गोलियां चलाई है हमारे बहुत जो किसान आगू इन्होंने फटर किया है। 250 आदमी हमारा इसी बॉर्डर पर शंभू बॉर्डर पर किया है, 250 आदमी अखनौरी बॉर्डर पर किया है, और भी जहाँ जहाँ हमारे मोर्चे लगे हुए हैं कम से कम 1000 से ऊपर हमारा किसान आगू इन्होंने फटर कर दिया है। जो सेंटर सरकार और हरियाणा की जो खट्टर सरकार है बिल्कुल रली हुई सरकार है। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, एक डंडा है हमारे साथ। हम शांतमय ढंग से आगे बढ़ेंगे, अगर जहाँ तो सरकार हमारी मांगे मान ले, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हमारे को शांतिपूर्ण आगे जाने के लिए रास्ता हमारा खोल दिया जाए। अगर सरकार रास्ता नहीं खोलेगी तो कल हम रास्ता खोलेंगे और दिल्ली जाके ही रहेंगे। और आप लोगों को रोकने के लिए कीले लगाई जाएंगी और ऊपर से आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, और जैसे ये जो रबर बॉम्ब था वो सब चीज़ें छोड़ी जाएंगी, और इससे आप ही लोगों का नुकसान होगा, शहीद हो जाएंगे लोग। लेकिन क्या करें, जो सरकार हमारे लिए कर रही है, हमारी खेती को जो हमारा मंडीकरण तोड़ रही है, हमारी ज़मीनों के ऊपर नजायज कब्जे कर रही है सरकार, हमारे को डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट से दूर रखा जा रहा है, हमारे को जो MSP से दूर रखा जा रहा है, हम कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हमारे सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है, हम घर से आए हैं, चाहे किल लगा दे चाहे कुछ भी लगा दे, हमारे ऊपर गोले और दाग दे, चाहे हमारे को शहीदी देनी पड़े, हम शहीदी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम शांतमय ढंग से बैठे हुए हैं। आप भी देख रहे हैं, आपका मीडिया भी देख रहा है, आपका मीडिया हमारा बहुत साथ दे रहा है। आपके मीडिया को पता हमारे साथ कितने दिन हो गए, 13 तारीख का मीडिया घूम रहा है। हमारे पास कोई भी ऐसा मारुथियार नहीं है जो हम लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो सरकार के पास मारुथियार है हम उनसे डरेंगे नहीं। ये डराने के लिए हमारे आगे बैरिकेडिंग की जा रही है, किले लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं इनसे। हम लोग तो देख रहे हैं कि आप लोग कितना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आप लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी, ये सब चीज़ें जो कही जा रही हैं आप लोगों के लिए, ये सब सरकार की मंशा है, मोदी सरकार की मंशा है कि आतंकवादी है दिल्ली आ
रहे हैं। क्या दिल्ली जाने का हमारा हक नहीं है? दिल्ली हमारी नहीं है? हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम फॉरेन से नहीं आए, हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम इसी देश के नागरिक हैं। लोकतंत्र का कण किया जा रहा है, लोकतंत्र है, हमारे को हमारा प्रोटेस्ट करने का हक है इस धरती के ऊपर, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? आप लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जो दिल्ली की अगर बैरिगेटिंग की बात कीजिए तो वहाँ पे पहले से ही सीमेंट की बैरिगेटिंग कर दी गई है, और जहाँ तक बैरिगेटिंग की जा सकती है वहाँ तक बैरिगेटिंग कर दी गई है। आप लोग साइड से ना आ सके, वहाँ पे खड्डे तक खोद दिए गए हैं। बहुत कुछ सरकार ने हाथ कंडे अपनाए हुए हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं दोनों पुल के ऊपर इधर बैरिगेडिंग की हुई है, जो आगे शाहबाद वाला पुल है उसके ऊपर बैरिगेड की हुई है, आगे दिल्ली में तीन तरफ इन्होंने बैरिगेडिंग कर रखी है कि किसान दिल्ली की तरफ ना बढ़े। लेकिन हमारे को कितने भी कर दें बैरिगेडिंग, ये तीन बैरिगेड मैंने आपको गिना दिया, चाहे 20 बैरिगेडिंग कर दें, लेकिन हम कल दिल्ली की तरफ जाके ही रहेंगे। जो कहा जा रही किसान तलवार लेके आ रहे हैं, उग्रवादी हो जाएंगे अगर उन्हें आने दे दिया जाएगा तो। हमारे पास एक भी तलवार एक भी हथियार दिखा दे तो उसके हम खुद जिम्मेवार होंगे। हमारे पास ऐसा कोई भी मारू हथियार नहीं, एक हमारा जो किसानी का चिन्ह है झंडा, और झंडे को हम डंडे में तो फंसा के रखेंगे, झंडा ऊपर तो लेके जाएंगे नहीं, झंडे को हमेशा डंडे में रखना पड़ता है। हमारे पास एक डंडा है, कोई मारू हथियार नहीं। आपका मीडिया भी देख रहा है हमारे पास कौन सा हथियार है। अगर किसी ने भी ऐसा हथियार हमारे पास देखा है तो आपके मीडिया के माध्यम राही मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, जो भी सरकार करना है वो कर सकती है, अगर हमारे पास हथियार है तो हम जिम्मेवार होंगे। लेकिन जो हथियार मैं आर्मी की जॉब करके जो इन्होंने मशीनें लगा रखी है आदमी को वाइब्रेटिंग के लिए, कानों के लिए, आंखों के लिए, बहुत ही घातक है, वो ऐसे नहीं लगाई जाती। आप लोगों को बता दीजिए, मतलब जो भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और ये सब छोड़े जा रहे हैं, इससे आप बच कैसे रहे हैं? हम पंजाब की हद में खड़े हैं, ये हमारी पंजाब की धरती है। हम आगे अभी हम दिल्ली की तरफ कूच नहीं किया। ये पंजाब सरकार को भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, वो नोटिस क्यों नहीं ले रही? जो हमारी भगवंत मान सरकार है उसको हमने 92 सीटें दी हुई है, इसी वजह से दिया था कि हमारे किसानों को रोक दिया जाए, रास्ते में इनको जाने ना दिया जाए, क्यों नहीं ले रही? इसका जो पुलिस प्रशासन है पंजाब सरकार का, क्यों नहीं नोटिस ले रहा कि हमारे किसानों के ऊपर आंसू गोले दागे जा रहे हैं? हमारा 1000 से ऊपर किसान इन्होंने फटर कर दिया है, 2 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, एक इसी बॉर्डर में शहीद हो चुका, आंसू गोले के उसको चढ़ गई है, पूरी स्मेल चढ़ी हुई थी उसकी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बताया हुआ है उसको आंसू गैस चढ़ी हुई है। क्या हम ऐसे ही शहीद करवाते रहे हैं? कहां सो रही है हमारी जो पंजाब सरकार है? कितनी देर हम बर्दाश्त करेंगे इन सरकारों को? सरकार जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही। आपको एक बार दोबारा अगर आश्वासन दे दिया गया तो फिर क्या करेंगे? चाहे सरकार माने चाहे ना माने, अगर मान जाती है सरकार तो बहुत ही अच्छा है, हम इसी तरह शांतिपूर्वक से अपने अपने घरों में वापस चले जाएंगे। हमारे बुजुर्ग कितनी कितनी एज है, इनकी बच्चे पोतरे इनके फोन कर रहे हैं कि कब आपने घर आना है। ये हार्ट के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, कितनी कितनी बीमारियों की दवाई गोलियां खाते हैं, कैसे हम इसकी रात निकालते हैं हमारे को पता है, कैसे देखभाल इनकी करते हैं। इन्होंने कपड़े तक नहीं धोए, अभी तक नहाए धोए नहीं, कितने 10 दिन हो गए हमारे को इधर। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है कल तक, आज भी हमारे को मैसेज देती है मीटिंग के लिए, हम बिल्कुल तैयार हैं, सरकार का सदा हम बिल्कुल इनकार नहीं करते। कहा जा रहा है कि आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो, सरकार तो आप लोगों की सुन रही है। हाँ बिल्कुल, हम मानने के लिए तैयार हैं, अगर सरकार हमारे को सदा देती है हम जाने के लिए बिल्कुल 100% तैयार हैं। हम जाएंगे, सरकार की बातें सुनेंगे, अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है हम शांतिपूर्वक अपने घरों को वापस चले जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर सरकार हमारी माने नहीं मानती, नहीं हमारे को मैसेज तो देती आने का, दो फसल पे MSP देने के लिए तैयार है? नहीं, वो हमारे को मंजूर नहीं। हम पूरे हिंदुस्तान के लिए मांग रहे हैं, ना कि पूरे पंजाब हरियाणा के लिए मांग रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की जितनी स्टेटें आती है, महाराष्ट्र, गुजरात, UP, MP, बिहार, पंजाब, राजस्थान, सभी स्टेटों के लिए हमारी मांग है, पूरे हिंदुस्तान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को मानना पड़ेगा, हम अपनी मांगे जो मना के ही पीछे हटेंगे। लेकिन आप लोगों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो चीजें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पे सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो राशन दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी, जो राशन दे रहे हैं वो अन्नदाता कहलाए जाएंगे। हम तो एक बार कहेंगे हमारे मीडिया के साथ, कभी सरकारें नहीं बड़ी हुई, कभी सरकारें बड़ी, लोग बड़े होते हैं, लोगों का जज्बा बड़ा होता है। जितने भी इनकलाब आए, सभी इनकलाब जो है किसानों ने लाए हैं। 1917 में रूस में जो आंदोलन हुआ, जो ये रफड़ा लेके आए हैं, वो रफड़ा वो जो रूस का बादशाह था उसके बाद उससे वालू हो गया। जब 1949 में चीन में इनकलाब आया तो किसानों ने आंदोलन किया, तो यही रफड़ा जो था वो उस बादशाह के सामने हो गया। यही होएगा, ये जो किसान हमारे बच्चे हैं
मारे से गोली नहीं चलाएंगे, ये गोली जड़ी है ये मोदी को चलाएंगे, ये है हमारा, ये आप चारिए। उसके बाद किसान बड़े होते हैं, लोग बड़े होते हैं, लोगों का जज्बा बड़ा होता है। कभी भी किसानों ने जरा किसी को वादा नहीं किया, किसान आंदाता है, अपना अपनी मेहनत करता है, तो सारे देश का जो पेड़ जो किसान जरा भारा है। तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि किसान जो है अन्नदाता कहा जाता है, और जो लोगों का पेट जो भरता है उसमें ही सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि MSP जो देने की बात हुई है, हमें सबके लिए मांग रहे हैं, सभी फसलों पे मांग रहे हैं ताकि हमारा भी भला होगा। हर चीज़ पे ये लोग MSP दे देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जो सरकार जो है फसलों पर क्यों नहीं दे रही। और साथ ही साथ किस तरीके से आप लोग देखिए लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। किसान जो शांतिपूर्वक दिल्ली कूच के लिए जाना चाहता है, सिर्फ सरकार से अपनी मांग रखने के लिए जाना चाहता है, उसके बाद यहाँ पे पूरे बॉर्डर जो है सील तक कर दिए गए हैं और प्रदर्शन तक करने पर रोक लगा दी जा रही है। और साथ ही साथ ये प्रदर्शन ना कर पाए और दिल्ली कूच के ना जा पाए तो सामने की तरफ से छर्रे चलाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, ड्रोन की तरफ से जो चीजें फेंकी जा रही है, किस तरीके से आप लोगों ने देखा। बाकी इसमें आपकी क्या राय, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।